ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जम नमो भगवते वासुदेवाय जम् प्रवजंत मनुपेत्योपेत्यकृत्यं धोयपयन विरहकातरजहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमा तुस्मिन् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूक करु लघयते गिरी यस्तम वंदे परमाधव नमो कृष्ण कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदातस्वामतना नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे देश पाश्चात हरे कृष्ण आज हम भागवतम दशम स्कंद अध्याय बारह श्लोक संख्या सात से ग्यारह तक सिर्फ ग्यारह नंबर श्लोक का हम आवृत्ति करेंगे बाकी मैं पढ़ लेता हूँ <laughs> केचिद वेणुवादयनो ध्वंत श्रृंगाणी केचित् भ्रंगे प्रगायन तहा कुदंत कुजन तहा को किले परे विच्छयाभि प्रधावन तो गच्छन्तसाधु हंसके बकेरु प्रविष्णतस्चते ईशाकं पलवतंसच पलासिसो विकर्षन तहा की सवाला नरोहन तस्चते धुमान विकुरु वन तस्चते ईशाकं पलवन तस्चपलासिसो साकंभे के विलंघनता सरितहस्तबदलु तता

साकम विज्रूकृत पुण्य पुंजहा हम आज अनुवाद एवं प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य पढ़ लेते हैं <laughs> सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे कुछ अपनी बांसुरिया बजा रहे थे कुछ सिंग का विगुल बजा रहे थे कुछ भौरों की गुंजार की नकल कर रहे थे तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू नकल कर रहे थे कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों के नाच की नकल करने लगे कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदर को आकृष्ट किया कुछ इन बंदरों बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे कुछ बंदरों के तरह मुंह बनाने लगे और कुछ डाल से एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेड़कों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपना परछाई देखकर वे हंसने लगे वो अपनी वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते इस तरह सारे बालक उन भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल खेला करते जो ब्रह्मज्योति में लीन होने की इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम है और उन भक्तों के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे एक सामान्य बालक ही हैं ग्वालवालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था फलतः वे इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रह रहे थे भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है तात्पर्य श्रीला रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है भक्ति रसामृत सिंधु एक दो चार तस्मा केना केनापि उपाय न मन कृष्ण निवेश श्री कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे चाहे ब्रह्म तेज के उद्गम चाहे परमात्मा के स्रोत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने उसे चाहिए कि वो श्रीकृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे यह श्रीमद भगवत गीताज व्रज भगवान श्रीकृष्ण तक सीधे पहुंचने का सरलतम साधन श्रीमद् भागवतम है ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्य ते अत्र शुश्रूषु भी तत्ना भागवत एक एक दो यदि मनुष्य अपना थोड़ा सा भी ध्यान भगवान श्रीकृष्ण तथा उनके कार्यकलापों की ओर लगाए तो उसे तुरंत जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है लोकस्य जानतो विद्वान् विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता भागवतम सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है इसीलिए इस भौतिक जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेष रूप से इस कलयुग में श्रील व्यासदेव ने हमें भागवतम प्रदान किया श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवा नाम प्रियम वे वैष्णवजन जो कुछ बड़े चढ़े हैं या जो श्री भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम प्रिय वैदिक ग्रंथ हैं अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा तथा देहांतर प्राप्ति ही यदि हम श्रीमद् गीता तथा श्रीमद् भागवतम की परवाह नहीं करेंगे न जाने हम न जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों गीता तथा भागवतम पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य ही श्रीकृष्ण की संगति प्राप्त होगी त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नईति माति सो अर्जुन अतः सारे विश्व में श्रीमद्भागवतम का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों आध्यात्मिकवादियों तथा योगियों यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण कार्य है अपि सर्वेशा जन्मलाभ परम पुंसा अन्ते नारायण स्मृति यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण या नारायण का ये न के न प्रकार स्मरण कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा हरे कृष्ण तो आज हम भगवान श्री कृष्ण का ये विशुद्ध चरित्र सुनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और विशेष रूप से श्री केशव प्रभु के चरणों में आभार प्रकट करते हैं उन्होंने एक सुजग दिया भगवान की इन चरित्रों पे विचार करने का तो उन उनसे कृपा याचना करता हूँ श्रीला सुखदेव गोस्वामी इस बारहवा अध्याय में दसम स्कंद के अघासुर का वध का वर्णन करने जा रहे हैं तो पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पहले श्लोक में क्वचित बनाशय मनो दधत ब्रजात क्वचित का शब्द का अर्थ है कि एक दिन भगवान ने बनो दधात ब्रजात वन में भोजन करने के लिए मन में सोचा और उन्होंने पहले दिन ही सखाओं के साथ संपर्क कर लिया था और उन्होंने एक वन भोज का आयोजन पिकनिक बनाने का मन में सोचा कि वन में सखाओं के साथ भोजन किया जाए तो उन्होंने पहले दिन ही सखाओं के साथ अपने जो पूरे मीटिंग उनका हो गया था तो प्रातः मुहूर्त में प्रातः समुत्थाय वयस्य वश्चपान तो भगवान बहुत ही जल्दी उस दिन प्रातः मुहूर्त में उठ गए थे और पूर्व रात्रि में ही माँ यशोदा को बोल दिए थे कि हम कल जो है वन में ही भोजन करेंगे तो भगवान सज्जता किए और अपने रात्रि में जो वस्त्र पहने थे उसको परिवर्तित किया और भगवान ने जो है बहुत ही जल्दी जल्दी अपना नित्य कर्म जो है वो सब पूरा करके और फिर गोष्ठ में प्रवेश किया और गायों को बछड़ों को सब खोलते हाँकते हुए सैकड़ों सखाओं के साथ भगवान जो है वन के लिए प्रस्थान किए तो माता ने जो वन वन में जाने से पहले मिट्टी के हंडियों में मिट्टी के बर्तनों में गव्य पदार्थ जो है भगवान के लिए दिया ताकि भगवान जो है वन में भोजन कर सके तेन व साकम पृथक सहस्र स्निग्धा सुखिभ्य विषाण वेणव तो भगवान ये वन का प्रवेश का वर्णन है भगवान का अति मनोहर है भगवान कैसे वन में प्रवेश कर रहे हैं कछनी काछे हुए हैं और सखाओं के साथ भगवान वेणु वादन करते हुए वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं विशेष रूप से जो वन में रहते हैं जैसे वन्य पशु हैं लताएं हैं वो भगवान की एक झलक एक दर्शन पाने के लिए व्याकुल रहते हैं कि भगवान कब सुबह हो और भगवान वन में आए यद्यपि नंद बाबा यशोदा माया और गोपियों के लिए बहुत ही विरह का समय होता है लेकिन सखाओं के लिए और वन्य पशुओं के लिए वृक्षलता इन लोगों के लिए ये बहुत ही हर्ष का मुहूर्त रहता है तो भगवान जो है वेणु वादन करते हुए वन में वन प्रवेश कर रहे हैं और भगवान को जो है ये वृंदावन जो है भगवान के मन को भी आकर्षित करता है श्रीमद् भागवत में वर्णन है वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनाम च विख्यताम उत्तम प्रीति राम माधव यो हे राजन परीक्षित ये जो वृंदावन है और ये जो गोवर्धन है ये भगवान विख्यतम उत्तमा प्रीति इनको वृंदावन को और गिरिराज जी को देख के विख्यताम उत्तमा प्रीति राम माधव यो नुपो कृष्ण बलराम का मन भी मन में भी ये इच्छा हो जाता है कि यहाँ पे रमण किया जाए वृंदावन स्थान का विशेषत्व है तो महाराज श्री बताते हैं कुछ कोई भी कार्य करने के लिए स्थान का बहुत प्राधान्य रहता है तो हम लोग का भी ये सौभाग्य है कि श्री गिरिराज जी के तलहटी में बैठ के और उन्हीं प्रभु जो यहाँ पे ये सब लीलाएं की हैं उनकी लीला चरित्र को हम श्रवण करने का मौका मिल रहा है श्रील प्रभुपाद के असीम कृपा से तो मानव जीवन का सफलता इसमें है कि इन लीलाओं को बार बार सुना जाए इनका चिंतन हो मन में और श्रील प्रभु जी भावार्थ में अंत में लिखते हैं कि अंत समय में अगर भगवान का चिंतन हो जाए तो ये मानव जीवनता का सफलता मानी जाएगी तो हम श्रवण कर रहे हैं कि भगवान जो है कृष्ण जो है सखाओं के साथ वन में प्रवेश कर रहे हैं और वेणुवादन करते हुए प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जब भगवान पहुँचते हैं वन में तो पहला लीला जो होता है भगवान का पहले सखा बन जाते हुए जब माँ भेजती है वन में तो विविध रत्नों से अलंकारों से गुंजा से भग माँ जो जशोदा मैया जो है माँ का श्रृंगार करती है ब्रज के विभिन्न पुष्पों से और भगवान कृष्ण वनों से जो गुंजा लाए थे तो उन गुंजाओं से माँ जशोदा ने हार बनवाया था और गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हर रोज जो है माँ यशोदा भगवान के लिए कुछ ना कुछ आभूषण बनाती हैं तैयार करती हैं तो विभिन्न रत्न अलंकारों से आभूषित करते हुए भगवान वन में जाते हैं लेकिन जैसे ही वन में पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो है सखा जो लोग सखा लोग जो है वो भगवान को श्रृंगार करते हैं और जितने भी आभूषण हैं वो सब आभूषण को एक गामछा में बांध लेते हैं भगवान के। मतलब सखा लोग समझते हैं ये जो है भगवान के लिए सही नहीं है तो वन के जो फूल है और नए नए पल्लव है पत्ते हैं वृक्षों के उससे भगवान का श्रृंगार चालू करते हैं और गिरिराज के तलहटी में बहुत सारे गेरू मिलता है तो उसमें विभिन्न आज भी देखा जाता है कि राज्य में कई एक स्थान है यहाँ पे पास में भी कई एक स्थान है जहाँ पे बहुत सारे गेरु मिलते हैं तो उससे भगवान के कपोलों पे और ललाट में पत्रावली बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर पत्र और सारे अंगों में पत्रावली बनाते हैं तो प्रत्येक सखा चाहते हैं कि वो भगवान का श्रृंगार करें तो भगवान भी ऐसे अपने को विस्तार करते हैं कि सभी सखा समझते हैं कि आज मुझे, मुझे मौका मिला है भगवान का श्रृंगार करने के लिए और भगवान सबके सामने प्रकट होके श्रृंगार करते हैं तो मेरा तो आज इच्छा था कि श्रृंगार करते हुए ये कथा को बोला जाए लेकिन कल रात में ही मौका मिला और धृतात्मा प्रभु ने मेरे को बोला कि आप इतना सेवा एक साथ क्यों ले ली लेकिन वास्तव तो में जब भगवान का सेवा करता करते हुए हम जब कथाओं को भागवत को पढ़ते हैं या कहते हैं तब तो उसमें एक और रस मिलता है तो जैसे हो सखाएं भगवान का श्रृंगार करते हैं ब्रज के पत्तों से पल्लवों से और पुष्प से और पत्रावली करते हैं तो दूसरा लीला जो है क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए मैं बहुत ही द्रुत गति से जा रहा हूँ और दूसरा है उसके बाद जो सखाओं के साथ और भगवान के साथ पहला जो क्रीड़ा है वो है जो भोजन सखा लोग लाते हैं या भगवान लाते हैं तो एक दूसरे का चोरी कर लेते हैं तो जब चोरी करते हैं जब सखा लोग ढूंढते हैं क्योंकि जब गोष्ठ में प्रवेश करते हैं तो कुछ भोजन करने का इच्छा होता है क्योंकि गाय जो हैं गाय बछड़े जो है स्वतः चरने लगते हैं तो सखा लोग वो अपने आनंद में रहते हैं और सखा लोग अपने आनंद में रहते हैं तब जब पहले से ही ऐसा प्लान होता है एक दूसरे का चोरी कर लेते हैं जब वो ढूंढता है अरे मेरा कहाँ गया मेरा लड्डू लाया था कहाँ गया कहाँ गया तो एक पूरा एकदम बेचैनी हो जाता है कहाँ रखा है कहाँ रखा है जब एकदम रोने तक आ जाता है तब वो एक दूसरे को दे देते हैं तो आचार्य लोग विशेष करके सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं ये चोरी नहीं है क्योंकि इसमें कविराज गोस्वामी हमको सतर्क करते हैं कि भगवान की ये जो लीलाएँ हैं इसको बृहद वैष्णव तोषणी में भी इसका सिद्धांत दिया गया है कि यद्यपि भगवान का ये जो लीला है इस ये चरित्र को सुन के कोई प्राकृत जो भौतिकवादी हैं उसका मन भी आकर्षित हो जाता है लेकिन भक्त लोग जो हैं इसका रसास्वादन करते हैं और इसमें उनको सिद्धांत को भी मन में रखते हुए ये सब चरित्र को सुनना चाहिए गीता में भगवान बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम तो भगवान की ये जो मनोहर लीलाएं हैं मतलब जैसे चोरी की लीला हो गया तो इसका उद्देश्य नहीं था चोरी करना ये तो एक दूसरे को आनंद देने का एक परिपाटी है प्रीति का ये एक लक्षण है माधुर्य का ये एक परिपाटी है तो भगवान भी कभी कभी रो देते थे अपना माँ ने मेरे लिए ये दिया था मेरा कहाँ गया खो गया कौन लिया कौन लिया तो जब रोने को हो जाते तो भगवान को देते थे सखाए तो ये ये प्रथम क्रीड़ा है तो ऐसे भगवान जो है वन में पहला ये लीला शुरू होता है उसके बाद भगवान केचित वेणुन वादय तो ध्वामत तो भगवान वेणु बजाने लगते हैं और ये वेणु ध्वनि क्यों बजाते हैं गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बताते हैं कि माँ यशोदा इतना विरह में रहते हैं क्योंकि भगवान चले गए हैं तो वेणुवादन के द्वारा ये दर्शाते हैं कि माँ मैं बन में बहुत खुश हूँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ सकाओं के साथ केचित वेणुन वादयंतो श्रृंगाणी केचन और भगवान जब वेणुवादन करते हैं तो सखा लोग जो है सिंगा श्रृंगा बजाने लगते हैं और विविध वाद्य बजाने लगते हैं केचित भृंगई कुछ कुछ सखाओं सखा लोग जो है वो पूरा एकदम सखा जो है कृष्ण कृष्ण के साथ आनंद में उन पूरा मग्न है और सभी अपने अपने स्वाभाविक स्थिति में भगवान के साथ आनंद लौट रहे हैं वृंदावन में तो भगवान वेणुवादन कर रहे हैं कुछ सखा जो है श्रृंगा बजा रहे हैं और कुछ सखा जो है क्योंकि भगवान जो विविध वनमाला माला धारण किए हैं वन में सखा लोग विविध प्रकार की पुष्पों से विविध माला प्रस्तुत करते हैं और कृष्ण को जो है मतलब हर क्षण भगवान नया नया बनमाला पहनते हैं तो बनमाला में भ्रमर सब गुंजन करने लगते हैं तो कुछ सखा जो है वो भ्रमर का अनुकरण करते हैं तो महाराज श्री कहते हैं कि आजकल लोग भ्रामरी करते हैं अपने फेफड़ा को मतलब स्वस्थ रहने के लिए लेकिन ब्रज में सखा जो है वो ऐसे आनंद लुट रहे हैं कि भ्रमर का मतलब अनुकरण कर रहे हैं किस लिए इनका सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इनका उद्देश्य रहता है ये अनुकरण करते हैं केचित चित भृंगई प्राग्यंतः कुजंतः ही परे और कुछ सखा जो है जैसे कोयल कुहू कुहू बोलता है तो वो भी कुहू कुहू बोलते हैं तो जब भगवान की वन प्रवेश लीला होता है दूसरे अध्याय में तो भगवान भी कभी कभी कोयल जब कु बोलता है तो भगवान भी ऐसे कुह बोलते हैं लेकिन कोयल जब भगवान का कुह सुनता है तो पूरा एकदम चुप बैठ जाता है महाराज श्री वर्णन करते हैं जैसे मुनि लोग जो हैं मनन करते हैं कोयल ऐसे आप अगर साधारण दृष्टिकोण से देखें अगर आप कोयल कुह करेगा और आप कुह करेंगे तो कोयल और जोर से कुह करेगा वो वो ये बतलाना चाहते हैं कि मेरा स्वर अच्छा है लेकिन यहाँ यह इसमें व्यतिक्रम है वृंदावन में कि कोयल भगवान के कुहु शब्द सुन के वो एकदम चुप मौन बैठ जाता है और वो सोचता है इतना मधुर ध्वनि में कभी नहीं सुना और वो मनन जैसे मुनि लोग मनन करते हैं वो मनन करने लगता है भगवान को देख के एकदम शांत हो जाता है तो कुजंत कोकिले ही परे, कुछ सखा कोयल का अनुकरण करते हैं बिछाया भी प्रधावंतो गच्छंत तो साधु हंस हंस कही जब सरोवर या यमुना जी में हंस को देखते हैं तो हंस जैसा चलते हैं तो सखा लोग वैसे ही चलने लगते हैं हंस को देख के और भगवान भी उनके साथ देखे वैसे भी हंस की तरह हंस की चाल चलने लगते हैं बकेरु प्रवि जब बगुले बैठते हैं सरोवर में तो सखा लोग भी जाके बगुल के पास बैठ जाते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने बात है कि जितने भी ये अनुकरण करते हैं सखा लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं किसी को विचलित नहीं करते हैं बगुले भी बैठे हैं सखा लोग भी चुपचाप जाके ध्यानस्थ होकर बैठ गए एकदम और भगवान भी जाके बैठ जाते हैं बगुले के पास लेकिन बगुले का जो ध्यान होता है वो तो मछली पर होता है उनका तो ध्यान कृत्रिम है लेकिन सखा लोग भी एकदम ऐसे अनुकरण करते हैं पूरा बगुले के जैसा पूरा शांत होकर बैठ दल के दल सखा बगुले के पास जाके बैठते हैं भगवान भी जाके बैठ जाते हैं तो यहाँ पे कहते हैं नृत्य कलाप अभी कभी कभी सखा लोग आनंद में नाचने लगते हैं विकर्सन किसवाला वाला नारो तो कभी कभी सखा लोग जो हैं गाय और बैलों के बीच झगड़ा करवा देते हैं झगड़ा करके उनका भी आनंद लुटते हैं और कभी कभी जंगल में मतलब वृंदावन में तो ये तो बैर भाव नहीं रहता है कभी कभी जो सखा कुछ सखा लोग जो है सिंह का दहाड़ करते हैं आवाज़ करते हैं तो सब एकदम डर के मारे चुप 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 चुप, -चुप बैठ जाते ऐसे ऐसा सब लोग बोलते हैं आपस में तो बिकुरवंत ते साकम प्लवंत पला शिशु और कभी कभी क्या करते हैं जो एक दूसरे को पास जाके पेड़ों पे चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो देखते हैं पेड़ों पे बंदर बैठा है तो बंदर की तरह मुंह करते बंद बंदर जैसा है जैसे क्या बोलते हैं हाँ बंदर जैसा घुड़की करता है तो सखा लोग भी उसको देख के उसकी तरह दान दिखाते हैं उसको उसको मतलब चिढ़ाते हैं बंदर को कभी कभी जो बड़े बड़े बंदर होते हैं जिनके पूछ बहुत बड़े बड़े हैं उन लंगूर उनका पूछ पकड़ के पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो वल्लभाचार्य आचार्य ने यहाँ पे जो बालम शब्द सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं उसका दो अर्थ लिए हैं बालम अर्थात शिशु है और बालम अर्थात पुछ है तो वल्लभाचार्य आचार्य जी ने दो अर्थों को लिया है अपने टीकाओं में मतलब सखा जो लोग सखा लोग हैं जो लंगूर होते हैं उनका पुच्छ पकड़ के उठते हैं और साथ ही साथ उनके बच्चे को भी पकड़ लेते हैं उनका क्योंकि पूछ पकड़ने से बच्चा उनके गोद में बच्चा गिर ना जाए पहले तो बच्चों को पकड़ लेते हैं और पूछ पकड़ के पेड़ों के ऊपर चढ़ते रहते हैं और साकम भेके के कभी कभी सरोवर में मेंढक देखते हैं ना सरोवर के पास रहता है टाव टाउव करते रहता है तो सखा लोग भी जाके वहाँ पे मेंढक की तरह आवाज निकालते हैं और जैसे ही मतलब जब सखा लोग चलते हैं तो मेंढक भय के मारे नदी में उछल जाते हैं तो सखा लोग भी मेंढक की तरह नदी में कूद जाते हैं और मेंढक पूरा नदी से पार कर जाते हैं और मेंढक की तरह बैठते हैं वहाँ पे ऐसे आवाज़ करें और कैसे मतलब पूरा बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आनंद में विभर हो के जो आनंद को लूट रहे हैं तो कभी कभी ये सब लीलाओं को सुनने से आजकल के बच्चे जो अभी क्या प्ले स्कूल में भी जाते हैं एक दो साल से बड़ा दुख लगता है अभी तो गुरुजी ने एक वीडियो भेजा है ना वो वो बच्चा कैसा रो रहा है गुरु जी आ, आज पक्का कर लूँगा आज पक्का कर लूँगा महाराज श्री कहते हैं कि जो स्वाभाविक होना चाहिए चाहे पढ़ाई हो भक्ति हो ये स्वाभाविक होना चाहिए डर के मारे ये नहीं होता है तो सखा लोग जो हैं भगवान के साथ आनंद विभोर हो के जो आनंद को लूट रहे हैं वास्तव में तो कभी कभी क्या होता है जब आकाश में पंछी उड़ते हैं तो उनकी छाया जब धरती में पड़ता है तो सखा लोग उस छाया को फॉलो करते हुए अनुकरण करते हुए दौड़ते दौड़ लगाते हैं एक दूसरे के साथ और कभी कभी मौर जब नाचता है तो सखा लोग नाचने लगते हैं बिह बिहस प्रति छाया सपन प्रति तो ये जो विविध लीलाएं हैं भगवान के और कई सारे लीलाएं हैं बाकी आगे हम सुनेंगे तो गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी ये बता, बतलाते हैं कि सखा लोग के मन में अभिमान है किस तरह का अभिमान जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे भौतिक जगत में कोई अगर किसी का प्रशंसा करता है तो उसके मन में अभिमान आ जाता है लेकिन सखाओं का अभिमान भिन्न प्रकार का है सखाओं का मन में ये अभिमान रहता है कि मैं कृष्ण को ज्यादा आनंद पहुँच कैसे पहुंचाऊंगा उनके अंदर ये अभिमान रहता है कि मैं आज कुछ नया कुछ भगवान को विशेष आनंद दूंगा इस अभिमान में वो लोग रहते हैं तो इस तरह से सखा लोग जो हैं एक दूसरे के साथ भगवान के साथ आनंद पहुंचाते हैं तो कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है और सखा शुद्ध स्कंदे आरोहण तुम कौन बड़ लोक तुम आमा साम भगवान का ये जो विशुद्ध सख्यरस का आस्वादन है तो सखाओं का मन में ये भाव नहीं रहता है कि ये भगवान है और हम उनसे छोटे हैं तो सखा लोग बोलते हैं कि आप तुम ही कौन बड़ा लोक तुम ही आमा आप कौन से बड़े आदमी का बेटा हो कभी कभी जब जब प्रसाद चोरी कर लेते हैं भोजन चोरी हो जाता है तो भगवान बोलते देते हो कि नहीं सीधा जाके नंद महाराज को बोलूंगा तो सखा लोग बोलते सारे अपने आप को बड़ा समझता है क्या तो भगवान और सखाओं के बीच ये जो जो मधुर संबंध है वास्तव में अभी सुखदेव गोस्वामी हमारे ये जो मुख्य आलोच्य श्लोक है इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत दास्यम गता परदैवतेन माया श्रिता नरदारकेण विजहुरु कृतपुण्य पुंजा तो इस तरह से सख्य रस का आस्वादन कर रहे हैं लेकिन आनंद वृंदावन चंपू में कर्णपुर गोस्वामी ने एक ड्रामा ही रच लिया है ये श्लोक के ऊपर उन्होंने बहुत ही व्यन्न शैली में इसको प्रस्तुत किया है तो कभी कर्णपुर वर्णन करते हैं कि सखाओं के बीच में कभी कभी जो है कभी कभी वो लोग ड्रामा करते हैं आपस में कैसा ड्रामा होता है तो एक सखा जो है वो राजा बनने का अभिनय करता है और एक जो है साधारण प्रजा का अभिनय करता है और एक ग्वाला का अभिनय करता है जिसके पास बहुत सारे गाय है और भेड़िया है तो उनमें से एक सखा जो है भेड़ियों को चोरी करने का अभिनय करता है तो फिर उसको एक पुलिस बनता है तो वो पकड़ लेता है तो राजा के पास दंड देने के लिए लेता है उसको सखाओं के तो राजा उसको हाँकता है क्यों क्यों गलती किया इसको क्या दंड मिलना चाहिए तो सब लोग हर्षित हो जाते ताली बजाने लगते हैं और सब अपना अपना मंतव्य देते हैं इसको ये देना ये दंड देना चाहिए तो उसमें से उस समय जो है एक सखा जो है सिंह का दहाड़ करता है तो सब लोग एकदम चुप चुप भय के मारे डरने का कुछ लोग अभिनय करते हैं और कुछ लोग का सखा जो है मस्त होके भगवान के निर्भय होके भगवान के साथ विहार करते हैं और भगवान के कंधे पे बैठ बैठ रहे हैं भगवान का चोटी खींच रहे हैं तो एक उपमा दे रहे हैं कवि कर्णपुर गोस्वामी कि जैसे जब जंगल में सिंह दहाड़ता है लेकिन जो हाथी का बच्चा है वो तो बेफिक्र होकर अपने माँ के साथ खेलता रहता है उसी तरह से ये संसार में भौतिक लोग इंद्रिय सुख में सुख के पीछे पड़े हैं लेकिन आज सखा जो हैं भगवान के साथ ये रस का आस्वादन कर रहे हैं जो अभी जो श्लोक का आलोचना अभी हम करने जा रहे हैं जो तुलनात्मक उदाहरण दिया गया है कि ये जो गोप सखाएं हैं ये ब्रजवासी हैं उनकी भाग्य का सराहना करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक का प्रस्तुत किया है और उसका मुख्य उद्देश्य यह है महाराज श्री बतलाते हैं कि इसको सुनने के बाद कोई भाग्यवान साधक के अंतकरण में ये इच्छा हो जाए कभी हमारे जीवन में भी अवसर आए कि हम भी कृष्ण के साथ ऐसे खेलें ऐसे भगवान के साथ विहार करने का एक मौका मिले तो अभी बताते हैं तो यहाँ पे जो सताम शब्द बोला गया है ये ज्ञानियों को दर्शाता है जो यहाँ पे तुलनात्मक बहुत व्याख्या किए हैं सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी ने बहुत ही विस्तृत व्याख्या है क्योंकि समय हो गया है तो मैं संक्षेप में ही उसको बताता हूँ ज्ञानियों का जो अनुभव है ज्ञानी लोग जो है चिंतन करते हैं मनन करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान का ये जो शरीर है ये प्राकृत शरीर है भौतिक शरीर है तो लेकिन भगवान जो है भगवान का जो भक्त हैं वो भगवान के साथ अभी क्रीड़ा करने का एक मौका मिल रहे हैं तो यहाँ पे तीन तरीका का तुलना दिए हैं पहले है कर्मी दूसरे है ज्ञानी और तीसरा है भक्त तो इन तीनों के बीच में सुखदेव गोस्वामी एक तुलनात्मक प्रस्तुति कर रहे हैं तो दास्य गता नाम ब्रजवासियों में कुछ ब्रजवासी ऐसे हैं कुछ सखा ऐसे थे जो भगवान को ईश्वर मानते हैं जिन्होंने भगवान के कई एक ऐसे लीलाएं देखे जिसके द्वारा उनके मन में ये भाव हो गया है कि ये हमारा सखा नहीं हो सकता ये स्वयं भगवान कुछ सखाओं के अंतर में ये भाव है तो उनको भगवान को अपने प्रभु मानते हैं नरदारके न तो जो लोग इंद्रिय भौतिकवादी हैं इंद्रिय भोगी हैं माया श्रिता नाम और वास्तव में ये लोग जो है भगवान के माया के द्वारा वो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं लेकिन इसमें तुलना है कि कुछ लोग भगवान के दास्यमान भगवान का दास्यता स्वीकार करते हैं जैसे हनुमान आदि भगवान हमारे इष्ट हैं भगवान और हम उनके दास हैं और कुछ लोग तो नहीं भी जान पाते उनका कोई मतलब ही नहीं भगवान के साथ कोई संबंध ही नहीं और तीसरे हैं जो ज्ञानी हैं उनका भगवान के भगवान के बारे में कुछ अनुभूति है लेकिन वो कभी भगवान के साथ खेल नहीं सकते तो ये इन तीनों का तुलना देते हैं कृत पुण्य पुंजा ना ही कर्मी के कर्मी का तो प्रश्न नहीं उठता है और जो दास्य भक्त हैं उनके जीवन में तो ये भाग्य कभी नहीं होता मुश्किल से मुश्किल भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेंगे ये बहुत बड़ी बात और ज्ञानी लोग जो हैं वो भगवान के बारे में कुछ अनुभव करते हैं लेकिन भगवान के साथ खेलना ये तो संभव ही नहीं है तो ये तो ये जो कृत पुण्य पुंजा ये सखाओं ने क्या ऐसा पुण्य किया है तो पुण्य शब्द को लेके आचार्यों ने बड़ा ही मार्मिक भाव प्रस्तुत किया है कि ये भौतिक पुण्य में इतना दम नहीं है कि वो भगवान के साथ क्रीड़ा कर सके क्योंकि हम लोग अगर इसमें विचार करें सुखदेव गोस्वामी का ये जो उद्देश्य ये श्लोक कहने का तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भगवान का माधुर्य प्रकट करना चाहते हैं ऐश्वर्य को कहकर भगवान का जो ऐश्वर्य है विभु है तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं नाहम प्रकाश्य सर्वस्य जोग माया समावृत तो भगवान जो है भगवान को देखना ये बहुत ही बहुत ही मुश्किल नामुमकिन है दूसरे के लिए लेकिन भगवान जो है भक्तिया माम अभिजान मेरे भक्त जो है मुझे अपनी भक्ति में वश कर लेते हैं तो यहाँ पे पुण्य शब्द का अर्थ जो है बृहद वैष्णव तोषणी में उसमें वर्णन करते हैं कि धर्म मदभक्ति कृतः प्रोक्त जो उसमें स्पष्ट लिखते हैं जो ऐसा कार्य जो मेरे प्रसन्नता का हेतु बने उसी को धर्म यहाँ पे कहा गया है और उसमें तीन साधन को स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि इन सखाओं ने पूर्व जन्म में भूरी भूरी मेरे बारे में प्रचुर मात्रा में श्रवण किए हैं पहला उनका ये जो कृतपुण्य पुण्यपुंज का तीन जो मुख्य कारण बताए हैं आचार्य उसमें पहला ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में इन्होंने मेरे बारे में बहुत ही श्रवण किया है और दूसरा बताते हैं कि इन्होंने सत्यादि योगों में मेरे ऊपर बहुत ही ध्यान किए हैं तो महाराज श्री बताते हैं कि भक्त लोग को भी कभी कभी इन लीलाओं में ध्यान करना चाहिए एकांत एक में बैठ के कैसे भगवान कृष्ण गोविंद कुंड के तट में बैठे हैं और मेंढक को देख के वो आवाज़ निकाल रहे हैं और कैसे उछल रहे हैं कुंड में ये सब चीज़ को ध्यान करना चाहिए अगर ध्यान भी नहीं बन पाता है तो भागवत के ये चरित्रों को पढ़ना चाहिए इसको मनन करना चाहिए इन लीलाओं को तो आचार्य बतलाते हैं पहला बताते हैं मेरे बारे में श्रवण किए हैं दूसरे बताते हैं कि प्रचुर ध्यान किए हैं और तीसरा कारण बताते हैं कि मेरे मेरे प्रति उनका प्रचुर अनुराग है ये तीन कारण के वजह से आज इनको मेरे साथ ऐसे क्रीड़ा करने का मौका मिल रहा है जो ज्ञानियों के लिए जो दास्य भक्तों के लिए ये नामुमकिन है और सनातन गोस्वामी में तो रामबंधन लीला में यहाँ तक लिखा है भगवान यहाँ तक तदीय तदीये सीतु भक्तर्जित पुनः प्रेम तस्व सतावृति भगवान ये घोषणा कर रहे हैं और ये क्या घोषणा कर रहे हैं वो नारायण के भक्तों को दिखा रहे हैं भगवान विष्णु के भक्त को दिखा रहे हैं कि देखो ये दास्य भक्ति में और ये ज्ञानियों के लिए ये असंभव है ये चीज़ असंभव कभी भी क्या एक बार परम पूज्य भक्तिचरू महाराज बतलाते हैं कि क्या हम भगवान को अगर हम सेवा कर रहे हैं हमारा तो दास्यता है क्या हम भगवान के कंधे में बैठ सकते हैं चढ़ सकते हैं लेकिन श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि हम जो हैं भगवान की इन लीलाओं को सुन के शुद्ध साधुओं के मुखारविंद से व्यक्ति के मन में साधक के मन में एक लोभ हो जाता है क्या मेरे भाग्य में भी ऐसा कभी होगा कि हम भगवान के साथ ऐसा क्रीड़ा कर सके ऐसा भगवान के साथ हाथ पकड़ के चलें ऐसा भगवान के साथ कभी हमारा भी शोभा भगवान को सजाएँ भगवान को हम खिलाएँ ये भाग्य हमारा कब होगा तो इन लीलाओं में सखाओं में जैसे आचार्य बतलाते हैं जैसे समुद्र मंथन करने से अमृत निकलता है तो भगवान जब भक्ति के बस में हो जाते हैं तो कृत पुण्य पुंजा इसका भगवान के कृपा से भगवान जो है ये मौका देते हैं साधक को भगवान के साथ ऐसा विहार करने के लिए तो भगवान के आशीर्वाद से सनातन गोस्वामी ये बतलाते हैं कि भक्त लोग के बारे में हम क्या कहें भगवान जो भौतिकवादी लोग हैं जिनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहता है कैसे इंद्रिय तृप्ति किया जाए जब वो भौतिकवादी भी ये भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उनके मन में भी भगवान को पा जाने का इच्छा हो जाता है उनके मन को भी भगवान का ये जो चरित्र है उनको मन को उनके मन को भी भगवान की तरफ बरवस खींच लेता है भगवान का ये चरित्र इतने आकर्षक हैं, और श्रीला प्रभुपाद जी का तो ये स्थायी भाव था प्रभुपाद जी ने जब जलदूत में जा रहे थे तब तो उन्होंने जो भजन लिखा है तो उसमें भी यही भाव को प्रमुख लिया है तो प्रभुपाद जी बताते हैं लिखते हैं मिलने भाई आबार से सुख पाई, गोचारणे भोर कत बने छुटा छुटी बने खाए लुटा लुटी से दिन कबे हबे मोर कृष्ण तब पुण्य हबे भाई कृष्ण तब पुण्य हवे भाई से पुण्य करी जबे राधा रानी सुखी हवे ध्रुवती बोली तो माता तो प्रभुपा जी का ये जो भाव है कि कब मेरा ये भाग्य होगा और भगवान ने कृष्ण के साथ हम झगड़ते हुए वन में एक साथ उनके साथ भोजन करने का मौका मिला मिलेगा प्रभुपा जी आशा व्यक्त करते हैं और आ, सनातन गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया है श्रीमद् भागवतम के चरित्र को जो ये पढ़ेगा जो ये सुनेगा उसको भी एक मौका मिलेगा कि भगवान के साथ वो भी ये रस का आस्वादन किया जाए तो इसी आशा के साथ यहाँ पे इस श्लोक को हम विराम देते हैं तो आज गौर किशोरदास बाबा जी महाशय का तिरोभाव महोत्सव है तो उनके बारे में कुछ कहने का दुस्साहस हम कर रहे हैं लेकिन ये चरित्र कहने से पहले हमने महाराज सिंह से एक सिद्धांत सुना था तो उसको पहले बोलते हुए मैं गौरकिशोर दास बाबा जी महाशय के चरित्र में आ, कुछ बोलना चाहूँगा जैसे हम लोग कुछ विलक्षण चरित्र सुनते हैं जैसे हमारे सड़गोस्वामी में रघुनाथ दास गोस्वामी दास गोस्वामी का जो चरम वैराग्यपूर्ण जीवन था उसको कभी अनुकरण नहीं किया जा सकता है जैसे हम सुनते हैं कविराज गोस्वामी शुष्क रोटी चना चुबाए भोगो परिहरी ये तो कलयुग में संभव ही नहीं शुष्क रोटी अगर महाराज श्री बतलाते हैं कि अगर रूप सनातन का जो वैराग्यपूर्ण जीवन था उसको अगर हम दो दिन भी आचरण कर ले तो सीधा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे और उस समय भी अलग था उस समय जो वातावरण अलग था और सस्य भी जो रोटी था वो भी बहुत शुद्ध था आज तो धरती ही मतलब ये भी विषैला हो गया है फर्टिलाइजर डाल डाल के तो समय अलग है तो हमारा श्री कहते हैं जैसे अगर आप देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी माठा छाछ खाते थे बटर मिल्क और चालीस ग्राम बटर मिल्क पीते थे अगर आप चालीस ग्राम बटर मिल्क पिएंगे तो आपको पंद्रह से बीस मिनट के बाद आपको लघु संका जाना पड़ेगा और बटर मिल्क पीने के बाद क्षुदा बहुत बढ़ जाता है बहुत तेजी से भूख लगता है लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी तीन हजार प्रणाम प्रणाम में सिर्फ तीन हजार प्रणाम करते थे तीन घंटा कथा कहते थे महाप्रभु का चरित्र कहते थे और अपना नियम संख्या एक लाख संख्या नियम तो ये तो असंभव चीज है ये कभी हम कल्पना नहीं कर सकते तो श्री बतलाते हैं कि इन चरित्र को सुनने से हम अभी तो इसका अनुकरण नहीं कर सकते आचरण ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे लेकिन ये चरित्र को श्रद्धा से सुनने से वो सब आचरण का फल हमें मिल जाएगा इसलिए श्रद्धा से ये चरित्र को सुनना चाहिए लेकिन महाराज श्री बतलाते हैं कि कलियुग में ये सुनने का भी श्रद्धा नहीं सनातन सनातन गौस्वी पूतनाव चरित्र में अपने टीका में लिखा है जय तत्पूतना मुख्यम श्रद्धा या श्रृण मर्त्यो सनातन लिखा है कलयुग के साधक के पास श्रद्धा नहीं श्रद्धा के साथ बैठ भी नहीं सकता उसको तो कथा में बैठते हुए ही नींद आएगा दूसरे चिंताएं आएगी इसलिए प्रभु आप इतना कृपा कीजिए जो कथा में आके बैठ गया उसको आप ये फल दे दीजिए ये सब बात इसलिए हम कथा में बैठ जाए आके तो उसका हम फल प्राप्त कर ले देंगे तो किशोर दास बाबा जी महाराज का जो जीवन है वो अत्यंत अद्भुतपूर्ण जीवन है उसको सिर्फ हम सुनेंगे आज इसको तो हम भक्त होके भी कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कैसा उनका जीवन था तो पहला जो महाप्रभु का जो सिद्धांत कविराज गोस्वामी ने बताया है महाप्रभुर भक्त जता वैराग्य प्रधान ताई देखे संतोष हन गौर भगवान तो ये जो वाक्य है इसका चरितार्थ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के जीवन से मिलता है और उनके जीवन में दो आचरण प्रधानता जो है विषय दर्शन और जोषित दर्शन उन्होंने इसको जहर पीने के समान साधक इसको समझता है और गौर किशोर दास बाबा बादाश जी महाशय का जीवन इसपे ऊपर टिका था तो उनका प्राकट्य के संबंध में क्योंकि हमारे आचार्य लोग इतना उनका जीवन में वैराग्य था उन्होंने अपना परिचय के बारे में कभी कहीं लिखा नहीं तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है आमार प्रभुर कथा यद्यपि ये ग्रंथ अभी दुर्लभ है लेकिन अगर कभी जीवन में ये ग्रंथ स्वाध्याय करने का मौका मिलेगा आपको तब आप समझ पाएंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किस उनका गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के प्रति क्या भाव था या फिर आप ये ये ग्रंथ स्वाध्याय करने से आपको पता चलेगा कि शिष्य गुरु को किस तरह से सेवा करना चाहिए क्या भाव रखना चाहिए और सरस्वती ठाकुर कितने ऊँचे स्तर पे अपने गुरु को देखते थे ये ग्रंथ में पता चलेगा अमार प्रभुर का तो उसमें लिखते हैं कि पद्मा के निकट एक टोपा खोलार एक जगह है उसमें या नामक किसी पल्ली बोलते हैं बंगाली में तो उसमें वैश्य कुल में उनका प्राकट्य हुआ था तो गृहस्थ आश्रम में गौर गौरकिशोरदास बाबा जी महाशय का नाम था वंशीदास और जब उनके पत्नी का वियोग हो गया तब वो वृंदावन आए और वृंदावन में अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन का निर्वाह किया जो सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाशय हैं उनके शिष्य भागवत दास बाबा जी महाशय से उन्होंने विरक्त और संन्यास लिया और संन्यास लेके कई दिनों तक तो वो वर्षणा में रहे और वर्षणा में वो श्री जी के फूल माला की न, सेवा किया और उसमें से ये ये सेवा करके श्री जी को संतुष्ट कर लिया दास बाबा जी महाशय और उसके बाद उन्होंने कई दिन तक तो वृंदावन में बिहार के ब्रजवासियों का सेवा किया ब्रजवासियों के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण किया ब्रज में विरक्त वैराग्य का चरम मतलब उत्कर्ष को निर्वाह करते हुए माधुकुरी करके वो अपना जीवन निर्वाह करते और उन ब्रज में ही एक बार श्री राधा श्याम सुंदर के आदेश से वो नवद्वीप के लिए प्रस्थान किए और नवद्वीप में गंगा के किनारे वो भजन करते थे और महाप्रभु का गौर गौर कह के वो नृत्य नाचने लगते थे और कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर के पास आते थे स्वानंद सुखद कुंज में और भक्ति विनोद ठाकुर के मुख से वो भागवत सुनते थे तो सभी लोगों का बहुत प्रसिद्ध था कि गौर दास बाबा जी महाशय जो है वो सिद्ध साधु बहुत ऊँचे साधु हैं तो एक बार क्या हुआ कासिम बाज़ार के महाराज मणिन्द्र चंद नंदी ये बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व थे तो उन्होंने एक न्योता दिया गौर गौरकिशोरदास बाबा जी महाशय को कि उनके घर में आके रुके और वहाँ पे अपना भजन नित्य कृत्य करें लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने ये निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं उनके पास जाऊँगा तो मुझे संग्रह परिग्रह का लोभ हो जाएगा और मैं विरक्त हूँ मुझे किसी के किसी के प्रति आशा नहीं करना चाहिए तो इसमें मुझे प्रभुपाली लीलामृत का एक प्रसंग याद आता है सतसदास गोस्वामी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया है एक बार जब प्रभुपाद जी बॉम्बे आए और बॉम्बे मंदिर के लिए बहुत बहुत पैसा जरूरी था तो उस समय किसी बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ प्रभुपाद जी प्रोग्राम के लिए गए तो जैसे ही प्रभुपाद जी कार से उतरे तो उनके दरवाजे के पास ही प्रभुपाद जी रुक गए और बहुत ही भावुक अंतकरण में हाथ जोड़े हुए कुछ प्रार्थना करने लगे तो परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपा जी से पूछा प्रभुपा क्या हुआ आप कुछ कुछ कहना चाहते हैं क्या आपका हुआ क्यों रुक गए तो प्रभुपा जी ने बोला कि मैं बहुत ही गंभीर स्वर से प्रभुपा जी बोला मैं भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप मेरे पर इतना कृपा कीजिए कि वह मैं उस गृहस्थ का दास ना बन जाऊँ वो पैसा लेके मेरे को खरीद ना ले क्योंकि ये भय हमेशा रहता है एक भगवान के प्रचार के उद्देश्य से हम आए और दुर्भाग्य से हम किसी धनी के जन भगवान को खुश करने के लिए आए और धनी को खुश करने के प्रयास में हम हमेशा लगे रहे तो प्रभुपा जी बताते हैं यहाँ पे कि आध्यात्मिक जीवन जो है बहुत ही बहुत ही सतर्क रहना चाहिए प्रभुपा जी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि महाप्रभु के पास रहते हुए भी काला कृष्णदास जो है वो गलत संगति में पड़ गए भगवान के पास रहते हुए तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और विरक्तों के लिए तो वैराग्य प्रणय उन्होंने लिखा है प्रणय राखीते चाहो यदि गौरांगर रसने छोटो हरिदास कथा राख सदा मने अगर आप प्रीति रखना चाहते हैं महाप्रभु के चरणों में तो वैराग्य विरक्तों के लिए ये कहा गया है कि हमेशा हर दिन ये छो, छोट हरिदास के प्रति महाप्रभु ने किस तरह से कठोर व्यवहार किया उसको ध्यान रखना चाहिए तब हम हमेशा सतर्क रह पाएंगे तो आ, उसके बाद उन्होंने उनका वो स्वीकार नहीं किया तो ऐसे ही गंगा किनारे बैठते थे भजन करते थे और उनका भजन का शैली भी बहुत ही अलग तरी गंगा में कोई कपड़ा अगर बह जाता था तो उस कपड़े को उठा के उसमें गांठ डाल देते थे और उसमें ही जप करने लगते थे अद्भुत जीवन है ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे और जीवन भर कभी किसी से संग्रह परिग्रह नहीं किया गौर दास बाबा जी महाराज और अपने आप सिर्फ चावल और मिर्ची लेके खा के संतुष्ट हो जाते थे सिर्फ और तो ये बात होगा तो हमारा तो पूरा एकदम भयंकर स्थिति हो जाएगा कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कभी कभी चावल को गंगा जल में भिगो के मिर्ची डाल के उसी को ही खा के संतुष्ट हो जाते थे गौरकिशोरदास बाबू जी माँ से तो एक बार एक भक्त हैं उनका नाम है हरेन बाबू तो वो बहुत ही उनके साथ मित्र था था, मतलब बहुत ही स्नेह करते थे गौर बाबू जी माँ से उनको तो उन्होंने एक बार नवदीप के भजन कुटीर है आज भी है आप दर्शन कर सकते हैं तो वहाँ पे जाके वहाँ पे कथा का आयोजन था और प्रसाद मिल रहा था तो ये हरेन बाबू जो हैं वहाँ जाके प्रसाद ले ली और आके बोल दिए गौर किशोरदास में आज बहुत अच्छा प्रसाद था और लेके आ गया तो तीन दिन तक दास बाबा जी महा से उनसे बात नहीं किए लेकिन उनके बहुत स्नेह था इसलिए चौथे दिन आग्रह करने पर गौरकिशोरदास बाबा जी महा से बोला कि वो जो नवदीप के जो भजन कुटीर का जो प्रसाद था वो एक चरित्रहीन नारी ने वो प्रसाद दिया था और आप किस तरह से वो बिना पूछे प्रसाद ले लिए तो इसीलिए जो भजन करना चाहते हैं उनको यहाँ तहाँ जाके भोजन नहीं करना चाहिए किशोर दास बाबा जी महाराज यद्यपि वो किसी को उपदेश नहीं देते थे क्योंकि इनके प्रति बहुत ही स्नेह रखते थे इसीलिए उनको ये बात बताया तो एक बार और एक बार ये भी प्रसंग है कि एक बार उनके पास जो मित्र मतलब जो लोग बैठते थे संग करने आते थे और गौर दास बाबाजी महाराज जो बहुत ही कम गिने चुने लोग को और कुछ बोलते थे भगवान के बारे में तो एक बार सनातन गोस्वामी का तिरोभाव ये जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है ना वो आया तो सनातन गो गौरकिशोरदास बाबाजी महाशय ने बोला कल सनातन गोस्वामी का तिरोभाव है तो हम लोग महोत्सव मनाएंगे तो सब लोग आश्चर्य हो गए बाबा जी महाशय तो कभी अच्छा भोजन नहीं करते महोत्सव क्या है तो पूछने लगे कि महोत्सव कैसा होगा तो बाबा जी महाशय कुछ नहीं बोले तो जब सुबह हुआ तो महोत्सव मतलब कुछ पूरी पकौड़े तो बनना चाहिए खीर मालपा बनना चाहिए तो सनातन गोस्वामी का तिरोभाव है और गौर गौरकिशोरदास पाल बड़े उत्साह के साथ गंगा के किनारे बैठ गए बोले आज हम उपवास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करेंगे कंगाल का यही महोत्सव है विरक्त का यही महोत्सव है तो जो लोग वास्तव में हम लोग जो है मुझे भी ये बिल्कुल कहने का इच्छा नहीं होता है कि लोग हम लोग जो है इंद्रिया राम लोग हैं हम लोग तो अभी अच्छा प्रसाद के चक्कर में है और ये आत्मा राम का आस्वादन का विषय है लेकिन इन आचार्यों के हम दायाद हैं जैसे पुत्र का पिता के संपत्ति के प्रति स्वाभाविक एक अधिकार रहता है उस तरह से उनका स्नेह पाने का उनका करुणा मैं सत्य बताता हूँ जब भी मैं नवदीप मायापुर जाता हूँ किशोर दास बाबा जी महाराज के समाधि में जब मैं जाता हूँ तो मेरा छाती कांप जाता है कभी भी मैं मतलब मुँह उठा के नहीं देख पाता हूँ उनको कि हमारा स्थिति ये नहीं है कि अभी उन, उनको देख के प्रणाम किया जाएगा सुनेंगे अभी वो एक बार जब नवदीप में रुके थे आ, आग, आ, आगरा नहीं, नहीं। नवद्वीप में एक जगह एक धर्मशाला होता है वहाँ पे रुके हैं भजन कर रहे हैं तो उनके पास एक सेवक है जिनको गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज बहुत स्नेह करते थे तो एक बार प्रसाद लेने के लिए बैठे और उस समय वास्तव में गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज अंधे हो गए थे उनके आँखों में इतना दिखाई नहीं देता था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई बार किशोर दास बाबाजी महाशय को बोला आप कोलकाता चलिए मतलब ट्रीटमेंट में कर मतलब अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है तो किशोर दास बाबा जी महाशाय बोले मैं माया के नगरी में नहीं जाना चाहता हूँ और वो नहीं गए वास्तव में उनका तो बहुत ही कठोर था लेकिन भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर हमेशा अपने गुरु का सेवा के लिए तत्पर रहते थे किस तरह से उनका आ, मतलब अच्छा से देखभाल हो तो एक बार वो प्रसाद लेने के लिए बैठे तो एक जहरीला विशैला नाग उनके पास से गुजरा तो एक माता देखी उसको एक माता जी देखी और तुरंत ही आवाज़ लगाई वाह के बेरो बेरो खान थी यहाँ से चलिए चलिए दूर हो जाए लेकिन गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज एक इंच भी इधर उधर नहीं वहीं पे बैठे है तो और बोले वो बहुत चिल्लाती रही माता जो है बहुत आवाज़ करती रही कि साँपे काट लेगा कुछ हो जाए तो बहुत सम जब हो गया तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बोले आप कृपया यहाँ से जाइए आप जाने के बाद हम प्रसाद लेंगे आप हमारे वजन में विघ्न मत डालिए जब वो माता चली गई तो सेवक बोला बाबा आप कैसे हैं वैष्णव तो परदुख दुखी होता है वो तो आपका भलाई के लिए करे जहरीला साहब है मैं भी देख रहा हूँ तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं वो जहरीला साहब बहुत अच्छा है इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बोझ वो जहरीला साहब एक बार डसेगा और वो ये जो नारी है वो कुल्टा नारी है उसका संघ से इसलिए हमेशा साधक को जो है जो जोशीर्ष संग से बचना चाहिए गौर दास महाजन उनको एक शिक्षा दी और एक बार आ, आगरा ताला का एक नरेंद्र कुमार सेन है वो बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति थे तो एक बार सिद्ध प्रणाली जो होता है ना दूसरे परंपरा रागानुगा परंपरा में ये दिया जाता है तो वो सीखने के लिए गौर दास बाबाजी महाराज के पास आए सिद्ध संत थे तो बोले बाबा हमको सिद्ध प्रणाली सीखना है बाबा बोले कल्पना से कभी भगवान नहीं मिलते हैं भगवान को पाया नहीं जा सकता है आप अच्छा से हरिनाम कीजिए हरिनाम के अक्षरों से आपको अपना सिद्ध प्रणाली मिल जाएगी आपका अपना स्वरूप मिल जाएगा तो गौरकिशोरदास बाबाज महाराज का जीवन इस तरह से बहुत ही विलक्षण था विचित्र था तो एक बार एक विरक्त थे कौपिन धारित थे तो वह आके गौरकिशोर दास बाबूजी जी से का संग करने लगे और बहुत ही उनका विरक्त थे और अच्छा उनका साथ बातचीत होता था कथा आलोचना होता था महाप्रभु के बारे में तो एक बार क्या हुआ वो जो कौपिन धारित थे वो नवद्वीप में एक जगह खरीद ली और ये बात आके बोले कि मैं ऐसा व्यक्ति को भगवान के बारे में कुछ बताया तो उन्होंने मेरे को एक जगह खरीद के दिया है ये सुन के गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज एकदम गुस्से से पूरा एकदम लाल पीला हो गया वो तो समझ नहीं पाई क्या हुआ इनको बाबाजी मां से क्यों इतना गुस्सा कर बाबाजी मां से क्योंकि ये उनके साथ अच्छा संबंध था इसलिए उनको बताए कि ब्रह्मांड का सारा संपत्ति देकर नवदीप नवद्वीप का जो रज है बालू है उसको खरीदा नहीं जा सकता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम नवद्वीप में तुमको जगह खरीद के दे दिया तुम किस तरह से साधक हो तो ये इस तरह से विचित्र स्वभाव रहता है तो एक बार वर्षा के समय था चातुर्मास्य का समय फुलिया में नवदीप धर्मशाला नामक स्थान में वो रहते थे तो एक बार वहां पे एक व्यक्ति आया और गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज को बोल रहे महाराज बहुत सुंदर भागवत कथा हो रहा है लेकिन गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज से सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ से ही भागवत सुनते थे तो जब उनको बोला बहुत भागवत बहुत सुंदर है और भागवत में भी वो महाप्रभु परक अर्थ करते हैं और हमेशा गौर और गौर, 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 गौर रटते रहते हैं जैसे कि जन्मादि वो श्लोक में महाप्रभु परक अर्थ कहते हैं और गौर गौर कह के उनके आंखों में आंसू निकलता है तो कुछ क्षण चुप रहे गौर की बाबा जी महाराज ये सुन के बोले अरे बच्चा तुम्हें कि जानो वो गौर गौर बोले ना की बोले जानो टाका टाका बोले समझ में है क्या बोल रहे गौर किशोर दास बाबा से बोल रहे वो गौर गौर नहीं बोल रहा है वो बोल रहा है टाका टाका मतलब पैसा चाहिए पैसा चाहिए भागवत कह के जो पैसा लेते हैं उनसे नीच आदमी कोई नहीं किशोर दास बाबूजी मा से बताए तो इसलिए उन लोगों से सुनना नहीं चाहिए तो एक बार एक गिरीश बाबू थे तो वो बहुत ही सदगृहस्थ थे और दास बाबा जी महाशय उनको बहुत ही स्नेह रखते थे उनके प्रति तो उन्होंने आके बहुत ही प्रार्थना की अनुरोध किया कि बाबा आप इतना कष्ट हो रहा है बाहर रह रहे शीत का ठंडे का समय आप कृपया हमारे घर में रुकिए और आप भजन कीजिए जब बहुत ही अनुग्रह किए तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाशय बोले ठीक है अगर आप रखना चाहते हैं तो आपका टॉयलेट में हमको दे आपका टॉयलेट हमें दे दीजिए हम तो ये सुन के ये सब चीज़ हमारा कल्पना के बाहर है तो उन्होंने वो टॉयलेट को जैसा हो अपने हिसाब से अच्छा से साफ किया और गौर गौरकिशोरदास बाबा जी महाशय वहाँ पर रह के भजन कर तो ये मर्त्य लीला है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं और सिद्धांत ये है कि जो आत्मा स्थिति के साधक होते हैं भक्त होते हैं वो कहीं पर रह के भी भजन कर सकते हैं तो गौर गौरकिशोरदास बाबा जी महा अपने जीवन में अंतिम क्षण में उन्होंने ये लिखा था कि जब मेरा ये शरीर छूटे तो मुझे ये नवदीप के रजों में नवदीप के रास्ताओं पर मुझे घसीटा जाए ऐसा ही मेरा शरीर के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्होंने ये जो अभी आने वाला परसों कल कल एकादशी है देवोत्थान एकादशी उसी तिथि में कार्तिक का महीने में उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया लेकिन जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का शरीर मतलब वो अप्रकट लीला किए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतना वो प्रसंग मार्मिक है कभी वो प्रसंग पढ़ेंगे तो पता चलता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उनका अंतकरण कैसा था तो जब झगड़ा शुरू हुआ कुछ अनुयायी बोलने लगे कि बाबा जी से ये बोले हैं कि नवदीप के शरीर में उनका शरीर को घसटा जाए तो भक्ति सिद्धांत सोरे ठाकुर बोले हैं मेरे गुरु महाराज एक मंजरी हैं वो अपने दैन भाव से ये लिखे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करें तो बहुत ही अश्रुप अपने आँखों में आंसू भरते हुए और वो गए और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का शरीर को उठाया और एक वास्तव में एक सद शिष्य होने के नाते उन्होंने उनको जो लोग पाखंड करते थे वास्तव में जिनका कोई भी मतलब आध्यात्मिक स्थिति ही नहीं था जो लोग भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में सहजिया थे हम तो इस लायक नहीं है कि ऐसा कह सके लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में वो सहजियाँ हैं जो सिर्फ ढोंग करते हैं लेकिन वास्तव में सरस्वती ठाकुर ने ये भी कहा जो अगर वैराग्यपूर्ण है ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो मेरे गुरु के पवित्र शरीर को स्पर्श करके देखा है और ये शब्द सुनने के बाद सब लोग हट गए और सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही विरह भाव में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का समाधि दिया तो ये कुछ चरित्र जो उस ग्रंथ से प्राप्त हुए मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया और आज हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं हमारा मन जो है अभी भी विषयों में भाग रहा है और हम तो प्रसाद राम लोग हैं और आज तो उपवास है मेरे हिसाब से ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का उपवास और प्रसाद एक साथ हो रहा है प्रायतः वो एकादशी के तिथि में रहता है तो आज तो कुछ ये कारण हम फास्टिंग करें लेकिन प्रभुपा जी ने स्पष्टतः तो कल में प्रभुपा जी का एक लेक्चर सुनना था तो प्रभुपा जी कहते हैं कि गौर दास बाबा जी महाराज के तिरुभाव या आविर्भाव में हमें उपवास रखना चाहिए तो हम प्रार्थना करते हैं आ, हमारे आचार्यों के विशेष करके दास बाबा जी महाराज के चरणों में कि हमारे अंदर भी ऐसा भाव हो गुरु वैष्णव प्रति सेवा भाव हो और हम प्रभुपाद के इस पवित्र आंदोलन में कभी समर्पित होने का सेवा भाव अंतकरण में आए इन्हीं आशाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं जय गौर किशोरदास बाबा जी महाशय की जय जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे